नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का फिजिकल एग्जाम पहले होगा या फिर रिटन एग्जाम पहले होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इसमें जो आपके एग्जाम होंगे वो इस सीक्वेंस में होंगे। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर आपका रिटन एग्जाम होगा और फिर आपका स्किल टेस्ट यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और फिर इसके बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिजिकल टेस्ट में आपको रेस लगानी होगी। लड़कों को 1600 मीटर की रेस 6 मिनट 30 सेकंड में लगानी होगी और लड़कियों को 800 मीटर की रेस 4 मिनट में लगानी होगी। और जब आप रेस लगा लोगे और रेस में क्वालिफाई हो जाओगे उसके बाद में आपकी हाइट और चेस्ट को नापा जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका फिजिकल टेस्ट होगा। और दोस्तों जब आप फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में आपका रिटन एग्जाम यानी कि आपकी लिखित परीक्षा होगी और रिटन एग्जाम आपका 100 नंबर का होगा और 100 ही क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का होगा और इस एग्जाम को करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। और इस एग्जाम में आपके 25 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आएंगे और 25 क्वेश्चन मैथ से आएंगे और 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आएंगे। और दोस्तों 25 क्वेश्चन इसमें आपके जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी से आएंगे। दोस्तों जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के क्वेश्चन में आपको चॉइस मिलेगी। आप इन दोनों में से किसी भी एक लैंग्वेज के क्वेश्चंस कर सकते हो और इस एग्जाम में आपकी दोस्तों नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह से आपका रिटन एग्जाम होगा। और दोस्तों जब आप रिटन एग्जाम में पास हो जाओगे उसके बाद में आपका स्किल टेस्ट यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और टाइपिंग टेस्ट में आपकी इंग्लिश की टाइपिंग स्पीड मिनिमम 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की टाइपिंग स्पीड आपकी मिनिमम 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो दोस्तों इस तरह से आपका स्किल टेस्ट यानी कि आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। और दोस्तों जब आप टाइपिंग टेस्ट को क्वालिफाई कर लोगे उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। डॉक्यूमेंटेशन में आपके डॉक्यूमेंट्स जैसे कि 10th क्लास की मार्कशीट, आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाएगा। और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन में आपका मेडिकल चेकअप होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका डॉक्यूमेंटेशन और डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। दोस्तों अगर आप SSB हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की तैयारी करना चाहते हो और आप इसके नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों हमारा टेलीग्राम चैनल है governmentvacancy.com। और दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।